दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जो कि आपके सिर से लेकर पैर तक की बंद नसों को खोल देगा। जोड़ों में दर्द है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है या लकवा जैसी बीमारी में भी इस तेल से मालिश करने से आपकी बंद नसों में ताकत आ जाएगी, कमज़ोर नसें मजबूत होंगी। जोड़ों में दर्द है, घुटने में तकलीफ है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे किचन में मिलने वाला ये जो मसाला है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने की बहुत सी चीज़ों में करते हैं, जिसे आयुर्वेद में एक औषधि कहा जाता है, वो है मेथी के बीज। इसे बहुत से लोग मेथी दाना कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे फेनुग्रीक सीड कहते हैं। हर घर में मिलने वाला ये जो मेथी का बीज होता है ना दोस्तों, इसके फायदे जानकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी कि ये केवल एक मसाला ही नहीं है, ये एक ऐसी दवा है जिसमें हजारों बीमारियों को खत्म करने का दम है। जी हाँ, इतने गुण होते हैं मेथी में। सुबह उठकर मेथी का पानी पीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन्हें मधुमेह की बीमारी है दोस्तों, रात भर मेथी को भिगा कर रखें। एक बड़ा चम्मच मेथी लीजिए और पानी में भिगा कर रात भर रखें। सुबह उठेंगे ना तो आप इस मेथी का पानी छान कर पी लीजिए। आप चाहें तो मेथी के पानी को थोड़ा गर्म कर पीजिए, खासकर ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में बिल्कुल भी ठंडा पानी ना पिए, हल्का गर्म पानी गुनगुना करके पीजिए। पुराने से पुराना आपका गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों में जो दर्द है, घुटने मुड़ते नहीं हैं ठीक से, वो सारी परेशानियाँ दूर होंगी। एक ऐसी रामबाण दवा है दोस्तों। हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, जान नहीं रहती है, तब भी आप मेथी का पानी पीना स्टार्ट करें, थोड़ा गर्म करके पिए। मान लीजिए आप बोलेंगे हम तो इसे रात भर भिगाना भूल गए, अब क्या करें। सुबह उठकर आप मान लीजिए भूल गए हैं, तब एक चम्मच मेथी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, सीधे गैस पर रख दीजिए उबलने। अच्छी तरह से उबाल लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो छान कर पी लीजिए। इस तरह से मेथी का पानी पिएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। वजन घटाना चाहते हैं, पेट बहुत ज़्यादा बाहर लटक चुका है और मोटापे से परेशान हैं, सुबह उठकर खाली पेट मेथी का पानी पिए, गरम गरम पिए। थोड़ा गरम पिएंगे ना तो शरीर में जमा हुआ फैट, शरीर में जमी हुई चर्बी मोम के जैसे बाहर निकल जाएगी। ये इतना फायदेमंद है दोस्तों, हमारे सेहत और हमारे सौंदर्य के लिए भी फायदेमंद है। अभी आगे वीडियो में मैं आपको इसके सौंदर्य में प्रयोग भी बताने वाली हूँ दोस्तों। शरीर में कहीं सूजन आ गई है ना तो सूजन भी उतर जाएगी। मेथी का सेवन करने से, मेथी का पानी पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी हम बच सकते हैं। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है यदि हम मेथी का कंजप्शन शुरू करते हैं, मेथी का पानी पिए या मेथी को पीस कर पाउडर गर्म पानी में डाल कर लें। आप देखेंगे दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। जिन्हें हाई बीपी है, जिनका ब्लड प्रेशर पूरे समय बढ़ा रहता है, उन्हें भी सुबह उठकर मेथी का पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप चाहें जिनका वो बीपी है वो इस मेथी के पानी में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डालकर भी ले सकते हैं। थोड़ा स्वाद में कसैला होता है दोस्तों, परंतु बहुत ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए आयुर्वेद में इसे मेथी के बीजों को एक औषधि कहा गया है। तो आप इसे पियेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, कैंसर की बीमारी के खतरे को टालता है, हार्ट अटैक की संभावना को कम करता है। इसके अलावा मेथी का पानी पीने से दोस्तों हमारी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आती है। जिन्हें डायबिटीज़ है वे गुड़ ना डालें, बाकी लोग डालें। आप इसे थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। जिन लोग वज़न से परेशान हैं उन्हें भी वज़न को कम करने के लिए मेथी का पानी पीना चाहिए। आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा। जब हमारा पाचन अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। कब्ज की समस्या को दूर करता है, पेट को साफ करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। मेथी का सेवन हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, मेथी का सेवन। गांव में तो मेथी और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं ठंड के मौसम में शरीर में ताकत लाने के लिए, तो आप मेथी और गुड़ के लड्डू का भी सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं, बहुत ही सस्ती होती है और बहुत आसानी से ये मेथी दाना हमें मिल जाता है। गुड़ के साथ आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं दोस्तों। मेथी को खाएंगे त्वचा पर चमक आएगी, फोड़े फुंसी का होना बंद होगा, त्वचा पर लचीलापन आएगा, जल्दी चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे।
यहाँ पर मैंने कुछ मेथी के बीजों को ग्राइंडिंग जार में डाला है, ग्राइंड करके पाउडर बनाकर रखा है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, आधा चम्मच मेथी के पाउडर में एक गिलास गर्म पानी डालिए, मिक्स करिए और झटपट भी पी सकते हैं। मेथी को भिगाना भूल गए हैं, टाइम लग रहा है तो गर्म पानी में इसका पाउडर डालें और ये तरीके से भी आप मेथी का कंजप्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, हड्डियों में जो तकलीफ होती है, नसों में कमजोरी आ गई है, नसें दबने लगी हैं, तो हाथ पैर जो शून्य होते हैं सारी परेशानी दूर होगी। अब मैं आपको एक मेथी का तेल बनाना बता रही हूँ जो कि एक बहुत बढ़िया औषधि का तेल बनेगा। दोस्तों इस तेल को आप अपनी बंद नसों पर लगा लें, कमज़ोर नसों पर लगा लें, आप देखेंगे उन नसों में जान आ जाएगी। दोस्तों सरसों का तेल ले लीजिए आप 4 चम्मच और उसमें या फिर मेथी का दाना डाल दीजिए या फिर मेथी का पाउडर डाल दीजिए, जिसमें आपको सुविधाजनक लगे। उस तेल को हल्का सा पका लीजिए और फिर उस तेल से मालिश करें। मैंने आज इस सरसों तेल में मेथी के बीजों को डाला है और चुटकी भर हल्दी भी डाल दी है। इस तेल से मालिश करने से जहाँ भी चोट लगी है, जहाँ मोच आ गई है, पैरों में घाव है, सूजन है, वहाँ पर लगाइए। आपको गठिया आर्थराइटिस की परेशानी है, आप जहाँ भी दर्द है हड्डियों में, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है, इस मेथी के तेल से मालिश करने से आपके शरीर की अकड़न जकड़न बिल्कुल ही समाप्त होगी। बालों के झड़ने से परेशान है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मेथी को तेल में पका लीजिए अच्छी तरह से, या पाउडर या फिर मेथी के दानों को, उस तेल को बालों पर लगाएं, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा दोस्तों। इसके अलावा हाथ पैरों में जहाँ भी मोच आ गई है, लचक है, नसों में कमजोरी है, जिन लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या है, वेरिकोज वेन मतलब कई बार हमारे पैरों में, हमारी पिंडलियों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, नसें हमारी नीली और बैगनी हो जाती हैं और उन नसों में बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ होती है, आप चाहें तो वेरिकोज वेन में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर मेथी के तेल से मालिश करेंगे, मालिश करिए। मालिश करने से तेल आपकी मांसपेशियों के द्वारा आपकी हड्डियों तक पहुँचेगा, नसों तक पहुँचेगा और इससे आपको नसों के रोग से राहत मिलेगी। तो इस तेल को बनाएं, मालिश करते हुए लगाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। इसके अलावा एक ब्यूटी का भी बता देती हूँ टिप्स, चेहरे पर तो लगाएं ही, बालों में अगर रूसी आ गई है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मेथी का तेल लगाने के साथ ही साथ मेथी का ये हेयर पैक लगाएं। इसके लिए आपको लेना है दही, 1 कटोरी गाढ़ा दही लिया है, दही जितना खट्टा होगा उतना अच्छा है। इस दही में मेथी का पाउडर डालेंगे 4 चम्मच, अच्छे से मिक्स करें मेथी का पाउडर डालकर और इस हेयर पैक को अपने बालों पर लगा लीजिए। आधे घंटे लगा कर रखिए, आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, आपकी पतली चोटी मोटी होगी, बालों में लंबे समय तक कालापन और घनापन बना रहेगा। तो मेरे परिवार को मेथी की जानकारी अच्छी लग रही हो तो मुझे ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मुझे एक कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें कि आप कमेंट में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखे, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं, आपका नाम अनाउंस करूंगी, आपके शहर का नाम अनाउंस करूंगी मेरा वीडियो देखने के लिए, दोस्तों धन्यवाद बोलूंगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अपना नाम और शहर का नाम। मेरे परिवार को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।